चोड़ा हुई सारिया कारपोरेशन दियाँ और म्यूनसिपल कमेटी दियाँ उन्होंने अज गिनती हुई है। और पहला तो मैं सारे पंजाबियों का बहुत धन्यवादी हाँ, शुक्रगुजार हैं कि तुसी इन्ने हिम्मत नाल इन्ने प्यार नाल तुसी कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट की है जिदे अज रिजल्ट आए हैं। मेरा ख्याल कदे भी पंजाब यह जे रिजल्ट पहला नहीं आए किसी पार्टी नूं भी। ये एक बहुत थोड़ी हिम्मत है जिदे करके तुसी बाहर निकले और साडी पार्टी नूं सपोर्ट किया। और इस दे नाल ही मैं धन्यवादी हैं साडे प्रधान जी का सुनील जाखड़ जी का जिन्हां दी प्रधानगी हेठ सारे साडे MLA साहिबान कांग्रेस पार्टी दे साडे अहुदेदार साहिबान साडे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट सारे अपने DCCs वगैरह जिन्हां ने इन्नी हिम्मत करके लड़ाई बड़ी जबरदस्त लड़ी। और ये जिहड़े अज आंकड़े ने ये दिखाते हैं कि तुसी अपने किस किस्म का काम किया है। तो सारियां नूं पंजाबियों नूं और कांग्रेस पार्टी के सारे वर्करां नूं और लीडरशिप नूं मेरे दिलों बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अपने डिवेलपमेंट तो अपने सूबे च पिछले 4 साल हो गई है। ये बावजूद कि अद्धा साल तक कोविड ने साडा खत्म कर दिता, उस तो बाद फिर ये हुण किसानी का अंदोलन चल रहा है, दिल्ली की सरकार बन नहीं रही तो जो थोड़े सामने तुसीं देख ही रहे हो। तो ये बावजूद साडी गवर्नमेंट ने जिथे भी असी शहर के और पिंड भी काम कर सके असी काम किया। और मैं थोनों भरोसा देना चाहता हाँ कि अगले साल में जिहड़ा अधूरा रह गया इस एक पिछले साल की घाट करके उन्हों असी पूरा करेंगे। थोड़ी डिवेलपमेंट जिहड़ी भी इशूज़ जिहड़े भी मसले रहिंदे ने उन्हां नूं एक बार एक करके असी इन्हां नूं पूरा करेंगे पिंड भी और अपने शहरों में भी। तो किसी नूं मन च ना रहे कि आ काम होना सी ये रह गया ये नहीं रह गया क्योंकि एक साल ही साडा मर गया इस काम च। तो मैं थोनों भरोसा देना इस वास्ते भी चाहना है। और ये लड़ाई साड़ी हुण ये शुरुआत हुई है साड़ी, अगला असल पंजाब के भविख की लड़ाई तो आनी है अगले साल आनी है, साल भी नहीं रहा वो वास्ते। तो ये असी डिवेलपमेंट सारे करके थोड़े को आवेंगे। और मैं आस करता कि जिस तरीके प्यार हूँ दिता है कांग्रेस पार्टी को 2022 भी जब असैम्बली की चोणा हो गया इसी तरीके करोगे। और कांग्रेस हर वेले जैसे तुम जानते हो से देश की और अपने सूबे की सेवा करती आई है और अं करते रहेंगे। अज जिहड़ियां चोणां होईयां सी साडियां कारपोरेशन दियां और म्यूनसिपल कमेटी दियां उन्हां दी अज गिनती हुई है। और पहलां तां मैं सारे पंजाबियों का बहुत धन्यवादी हाँ, शुक्रगुजार हैं कि तुसी इन्ने हिम्मत नाल इन्ने प्यार नाल तुसी कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट की है जिहड़े अज रिजल्ट आए हैं। मेरा ख्याल कदे भी पंजाब इहो जिहे रिजल्ट पहला नहीं आए किसी पार्टी नूं भी। ये एक बहुत थोड़ी हिम्मत है जिदे करके तुसी बाहर निकले और साडी पार्टी नूं सपोर्ट किया। और इस दे नाल ही मैं धन्यवादी हैं साडे प्रधान जी का सुनील जाखड़ जी का जिन्हां की प्रधानगी हेठ सारे साडे MLA साहिबान कांग्रेस पार्टी के साडे अहुदेदार साहिबान साडे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट सारे अपने DCCs वगैरह जिन्हां ने इन्नी हिम्मत करके लड़ाई बड़ी जबरदस्त लड़ी। और ये जिहड़े अज आंकड़े ने ये दिखाते हैं कि तुसी अपने किस किस्म का काम किया है। तो सारियां नूं पंजाबियों नूं और कांग्रेस पार्टी के सारे वर्करां नूं और लीडरशिप नूं मेरे दिलों बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अपने डिवेलपमेंट तो अपने सूबे च पिछले 4 साल हो गई है। ये बावजूद कि अद्धा साल तक कोविड ने साडा खत्म कर दिता, उस तो बाद फिर ये हुण किसानी का अंदोलन चल रहा है, दिल्ली की सरकार बन नहीं रही तो जो थोड़े सामने तुसीं देख ही रहे हो। तो ये बावजूद साडी गवर्नमेंट ने जिथे भी असी शहर के और पिंड भी काम कर सके असी काम किया। और मैं थोनों भरोसा देना चाहता हाँ कि अगले साल में जिहड़ा अधूरा रह गया इस एक पिछले साल की घाट करके उन्हों असी पूरा करेंगे। थोड़ी डिवेलपमेंट जिहड़ी भी इशूज़ जिहड़े भी मसले रहिंदे ने उन्हां नूं एक बार एक करके असी इन्हां नूं पूरा करेंगे पिंड भी और अपने शहरों में भी। तो किसी नूं मन च ना रहे कि आ काम होना सी ये रह गया ये नहीं रह गया क्योंकि एक साल ही साडा मर गया इस काम च। तो मैं थोनों भरोसा देना इस वास्ते भी चाहना है। और ये लड़ाई साड़ी हुण ये शुरुआत हुई है साड़ी, अगला असल पंजाब के भविख की लड़ाई तो आनी है अगले साल आनी है, साल भी नहीं रहा वो वास्ते। तो ये असी डिवेलपमेंट सारे करके थोड़े को आवेंगे। और मैं आस करता कि जिस तरीके प्यार हूँ दिता है कांग्रेस पार्टी को 2022 भी
ਜਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਔਰ ਮਿਊਨਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ DCCs ਵਗੈਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਗਲਾ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਔਰ ਮਿਊਨਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ DCCs ਵਗੈਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ,
अगला असल पंजाब के भविख की लड़ाई तो आनी है, अगले साल आनी है, साल भी नहीं रहा वास्ते। तो ये असी डिवेलपमेंट सारे करके थोड़े को आवेंगे और मैं आस करता कि जिस तरीके प्यार हूँ दिता है कांग्रेस पार्टी को 2022 के भी जब असैम्बली की चोणा हो गया इसी तरीके करोगे और कांग्रेस हर वेले जैसे तुम जानते हो से देश की और अपने सूबे की सेवा करती आई है और अं करते रहेंगे। अज जड़िया चोणा हुई साड़िया कारपोरेशन दियाँ और म्यूनसिपल कमेटी दियाँ उन्होंने अज गिनती हुई है और पहला तो मैं सारे पंजाबियों का बहुत धन्यवादी हाँ, शुक्रगुजार हैं कि तुसी इन्ने हिम्मत नाल इन्ने प्यार नाल तुसी कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट की है। जिहड़े अज रिजल्ट आए हैं मेरा ख्याल कदे भी पंजाब इहो जिहे रिजल्ट पहले नहीं आए किसी पार्टी नूं भी। ये एक बहुत थोड़ी हिम्मत है जिहदे करके तुसी बाहर निकले और साडी पार्टी नूं सपोर्ट किया और इस दे नाल ही मैं धन्यवादी हैं साडे प्रधान जी का सुनील जाखड़ जी का जिन्हों की प्रधानगी हेठ सारे साडे MLA साहबान कांग्रेस पार्टी के साडे अहदेदार साहबान साडे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट सारे अपने DCCs वगैरह जिन्होंने इन्नी हिम्मत करके लड़ाई बड़ी जबरदस्त लड़ी और ये जिहड़े अज आंकड़े ने ये दिखाते हैं कि तुसी अपने किस किस्म का काम किया। तो सारियां नूं पंजाबियों नूं और कांग्रेस पार्टी के सारे वर्करां नूं और लीडरशिप नूं मेरे दिलों बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अपने डिवेलपमेंट तो अपने सूबे च पिछले 4 साल हो गई है, ये बावजूद कि अद्धा साल तक कोविड ने साडा खत्म कर दिता, उस तो बाद फिर ये हुण किसानी का अंदोलन चल रहा है, दिल्ली की सरकार बन नहीं रही तो जो सर थोड़े सामने तुसी देख ही रहे हो। तो ये बावजूद साड़ी गवर्नमेंट ने जिथे भी असी शहरां दे विच और पिंडां विच भी काम कर सके असी काम किया है और मैं थोनों भरोसा देना चाहुंदा हां कि अगले साल विच जिहड़ा अधूरा रह गया इस एक पिछले साल दी घाट करके उहनूं असी पूरा करांगे। थोड़ी डिवेलपमेंट जिहड़ी भी इशूज़ जिहड़े भी मसले रहिंदे ने उहनां नूं एक बार एक करके असी इहनां नूं पूरा करांगे पिंडां विच भी और अपने शहरां विच भी। तो किसी नूं मन च ना रहे कि आह काम होना सी ये रह गया ये नहीं रह गया क्योंकि एक साल ही साडा मर गया इस काम च। तो मैं थोनों भरोसा देना इस वास्ते भी चाहुंदा हां और ये लड़ाई साड़ी हुण ये शुरुआत हुई है साड़ी, अगला असल पंजाब दे भविख की लड़ाई तो आनी है, अगले साल आनी है, साल भी नहीं रहा वास्ते। तो ये असी डिवेलपमेंट सारे करके थोड़े को आवेंगे और मैं आस करता कि जिस तरीके नाल तुसी प्यार हुण दिता है कांग्रेस पार्टी नूं 2022 दे विच भी जब असैम्बली की चोणा होणगियां इसी तरीके नाल तुसी करोगे और कांग्रेस हर वेले जैसे तुसी जानते हो से देश की और अपने सूबे की सेवा करती आई है और अं